अब तो हम बेवकूफ भी बन रहे हैं ना, अब तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्टॉर्ट और म्यूटिलेट किया जा रहा है। मुझे आप एक चीज बताएं, आप दोनों हजरात, कि एक लड़का मेडिकल कॉलेज जाता है एफएससी करने के बाद, और उसको बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है डायसेक्शन हॉल्स में और हर जगह, वो कोई सीरियसली 3-4 ही ले रहे होते हैं, 180-185 आपकी मेरी तरह ही होते हैं, ठीक है, कि वो मुर्दा और कैडावर्स और उनके साथ, उसके बाद वो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम वहाँ पे हर जगह पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। अब आप एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, फिर आप हाउस जॉब के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, 1 साल लगता है, नर्सिंग स्टाफ से आप गाइडलाइंस ले रहे होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होते हैं, इंजेक्शन का प्रोसीजर पता होना इज समथिंग एल्स, लगाना इज समथिंग एल्स, वो 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, पेशेंट्स के साथ ट्रेनिंग होती है, 72 घंटे आप रात को रातों को जागते हैं, और उसके बाद आप ट्रेन होते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है हाउस जॉब का। अब आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन सबसे जूनियर है जिसको कोई नहीं जानता, फिर आप 4 से 5 साल लगाते हैं मेहनत करके, जिसमें आपके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं और मरीजों के साथ आप वक्त गुजारते हैं, बिल्कुल, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कामयाब होते हैं, अगर आप लकी हैं तो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, लोग 6-6 7-7 अटेम्प्ट भी करते हैं, ठीक हो गया, सो 7 साल के बाद आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिसको कोई नहीं जानता, सारा वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन आप जूनियर मोस्ट हैं, उसके बाद 5 से 6 साल लगते हैं टू बिकम अ रिकग्नाइज्ड क्लिनिकली एफिशिएंट और एक नोन फिजिशियन, तो ये कुल मिला के अगर आप गिन लें तो ये कोई बन जाते हैं कोई 16.5-17 साल। तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो जा रहे हैं, जो हायर्ड बोन को देख के, जो बालों के कर्ल्स को देख के, इन्होंने ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की होंगी, अपनी फील्ड में ये मास्टर होंगे, लोअर टीयर पे इन्होंने काम किया होगा, क्लिनिकल केस इनकी जो हैं वो बहुत सारे इनके वो होंगे, डेजर्टेशंस होंगी, लोअर टीयर इससे नीचे क्या होगा हैं, वो तो सीख रहे हैं ना काम, इससे लोअर टीयर कहाँ पे, अब बताएं यहाँ पे तो हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने आपको आप काम अगर सीखेंगे शायद आपको याद होगा, मैंने एक जगह ऐसे हैं कि आपकी इंजरीज अभी तक, मतलब लड़के, मैं नाम नहीं दूंगा लड़कों की, इंजरीज हुई हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाए, मेरे पास डॉक्टर को समझ नहीं आ रही है, कुछ इंग्लैंड जा रहे हैं, कुछ आगे, मेरे पास दो पेशेंट्स आए हैं और बड़े बड़े नाम है आपके, मेरे पास दो पेशेंट्स आए हैं वो भी बड़े नाम ही है, यानी कि कोई डोमेस्टिक प्लेयर्स, दो पेशेंट्स आए हैं और जो कि इन सब ने उनको मिलकर आइडेंटिफाई किया हुआ था, उनके वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके वो तशवीश ही गलत है। अब आप क्या कहते हैं भाई, उनको कहें कि गरम इट करके ते उठे ला लें, गोड़े ते गिची ते कितने भी ला लें, तुसी भी आई कीता सी आफ्टर हैविंग प्लेड फॉर पाकिस्तान, ते इक्को जगह ते 25 कॉर्टिसोन इंजेक्शन में लगवा लें, ओदे नाल भी ठीक हो जाएंगे। हुण दसो तारे आपके जमाने में एज डिटरमिनेशन नहीं थी, आपके जमाने में वाडा नहीं था, वरना ताडा ते एक विकेट होंगी, ऐसे लग रहा है कि अभी भी उधर ही है, मुझे अपनी इट वाला जमाना याद आ गया, स्टोरेज की बात कर रहे हैं, स्टोरेज कॉर्टिसोन इंजेक्शन एक कोई जगह थे, वो सारे जमाने याद आ गए यार, हम कब मूव करेंगे या मूव फॉरवर्ड कब होगा, हम कब कब आगे निकलेंगे यार। आप क्लब्स को देखिए, स्कूल ग्रेड की हम बात करते हैं, तो जब वो ऑर्गेनाइज अगर हो जाती है ना, तो आपके ये मसले जो सर्टिफिकेट वाले हैं काफ़ी हद तक इन पर काबू पा लेंगे, कि स्कूल से फिर आप डेटा, आई डोंट नो कि नादरा के साथ हम क्यों नहीं कर सकते सारा कुछ, ये रीजन्स और डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मुकाम नहीं है, नहीं गवर्निंग बोर्ड के आगे क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, तो गवर्निंग बोर्ड नहीं चाहेगा कि क्रिकेट ठीक हो, यही अब सोचने की बात है ना, कि उनके क्या इंटरेस्ट है कि क्रिकेट ठीक हो या इन्वेस्टमेंट कहीं और जाए, मैं तो उसी पे भी देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे चली गई उस तरफ जहाँ पे नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है, अगर आपने आधे देर लगा दी है जी, आप समझते हैं ये इनफ है क्रिकेट के लिए, उसके बाद अगर आप आगे चले जाते तो कुछ समझ आती थी, लेकिन ये चीज़ें आप स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, मेनली जो आपकी क्लब क्रिकेट है आप उसको ठीक कर लेंगे, एक तो जो स्क्रूटनिंग हमने की है जी कि 15 लड़के आपके नेट के ऊपर हों तो आपका क्लब साइन करके वो चले जाते हैं, एक ही दिन में वो लड़के इकट्ठे करते हैं, दूसरे दिन जाके भी चेक कर लिया करें कि वहाँ पे कोई नेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो लड़के वापस हैं भी कि नहीं है, लेकिन हमें चाहिए सिस्टम के क्लब क्रिकेट के अंदर जूनियर सेक्शन आप कर दें एसेंशियल जी, कि आपके अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए, रेगुलर कोचेज आपके पास होने चाहिए, ताकि सिस्टम से आपको लड़के मिलें, ये नहीं कि आपने दे दिया जी
फेसबुक के ऊपर या अखबार में ट्रायल्स हो रहे हैं, आज ये ट्रायल दे दें आके। वसीम आपके पास क्वांटिटेटिवली लोग नहीं है तो आप क्वालिटेटिव कहाँ से लाएंगे? पहले आप क्वांटिटेटिव कोरम पूरा करेंगे तो क्वालिटेटिव कोरम आएगा ना। सिस्टम तो बनाए ना, हो सकता है लोग खुद ही आगे आना शुरू हो जाएं। अब क्लब का उसमें रॉकेट साइंस है कि आप उसमें इंग्लैंड के क्लब जितने भी हैं तो बाकी मुल्क यार एक वाक्य याद आ गया, बहुत सीरियस बातें कर रहे हो, थोड़ा सा शुगर लगा दे। एक वाक्य सच्चा वाक्य वाक्य आ गया। मैं इस वाक्य को इसलिए शायद वो चने वाला बाबा ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। हम लोग अंडर 14 के जोनल उस वक्त होती थी, हमारे मैनेजर साहब नाम मुझे याद नहीं होता, बहुत पुरानी बात है। एक लड़का था नईम खान, भी अगर देख रहा है तो वो याद रखे, ये नईम खान की शरारत। वो मेन वही था, नेशनल बैंक से खेला, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, मुस्लिम जिम खाना लाहौर। मैं कैप्टन था, ये वाइस कैप्टन था। वो मिंटो पार्क में कैंप था, सारे लाहौर की जो जोनल जो टीमें थी वो बनी हुई थी, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था। हॉस्टल में रहते थे हम लोग, जंगला फलांग के जाते थे, वहाँ पे चने वाला था रेडी, चने लगाता था वो, चिकट छोले उसमें अंडा और मुर्गा वो भी साथ में रखता था। लो जी मैनेजर साहब हमें दीवार फैलांग के, मैनेजर साहब खुद भी दीवार फैलांगते थे। हम लोग उधर जाते थे, 8 रुपए का चने का प्याला सी उस वक्त, इतना बड़ा प्याला, और उसमें एक प्याले में दो लड़कों को कहते थे शेयर करो, और दो दो नान देते थे, अंडा बीच नहीं पाना थे, बोटी भी नहीं पानी ठीक, बाकी पानी नहीं। तो वो जनाब मुझे वो अंडा बोटी वाला मिलता था, तो जाहिर है तुसी ते पैसिया भी अच्छा के जो तुसी तो गड़बड़ कर दे रहे हो ना उस टाइम में, अच्छा है नहीं मैच नहीं मिलता तो वो मिलता आपने गौर किया आपको मैच मिलते थे आपको ट्रॉफी नहीं मिलता। जो बाबा वो जो बाबा जी थे अल्लाह उनको खुश रखे, मैं सबके सामने माफी भी मांगता हूँ। तो भाई बारह वो ना लड़के शरारती थे, तो वो लड़कों को बहुत डांटते थे, खाने भी उन्हीं से थे क्योंकि मज़ेदार थे। मैनेजर साहब हर रोज जाते थे हमें खिलाते थे, और एक दिन मैनेजर साहब को कोई काम पड़ गया, उन्होंने कहा ऐसा क्या नहीं दे रहा, ये ले पैसे, वो 250 रुपया दिया उन्होंने, ए सारे लंच तू करवाना है, ठीक है जी। हम लोग गए, हिसाब किताब लगाया। अच्छा वो जो बाबा जी थे वो नईम खान के साथ और लड़कों के साथ थोड़ी गड़बड़ थी, लड़ाई शड़ाई, चने खत्म हो गए, बाबा जी थोड़ी जी उते भी थोड़ा जा दियो जी, उनकी कहते ग्रेवी श्रेवी क्या होते चुंगा और चुंगा भी दियो जी थोड़ा जा, वो भी थोड़ा सा वो दे देते थे। तो वो कुछ गड़बड़ हुई, वो बेचारे बाबे की आँख खराब थी, उसने ना एक आँख ऐसे बनवाई हुई थी, तो ऊपर वो लगा देते हैं जो रुई शुई लगा के वो कपड़ा ऐसे। तो हम लोग गए उधर बाबा जी के पास, पैसे अब मेरे पास, जिम्मेदारी मेरी, मैंने कहा बाबा जी सबको जितने लड़के हैं एक प्याला, एक प्याले में दो 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 नान साथ में दे दो। नईम खान के कप्तान साहब ला लिया मैं, एक एक अंडा एक एक बोटी भी आ सकती मुझे कह रहे मैंने कहा अच्छा, कहते हैं ये सारे उधर खड़ा करो तो ऐसी अंदर। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा उसने प्लान किया हुआ था, मुझे भी बाद में सारा प्लान भी बताया। वो तीन चार लड़कों की बाबे के साथ थोड़ी सी खटपट थी। खैर खाना खाने के बाद उसने कहा कप्तान आज नठन का इरादा है कहते आज बाबे नु सजा देनी है, बाबा जी जो है ना वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे, लड़ाई हो गई थी, ये हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, कहते कप्तान फिक्र नहीं कर, ऐसे लिए ऐसी खब्बे पासे खिलोते हैं, बाबा इस पासे नहीं देखेगा देखा नहीं खान ने इशारा किया, बाकी इधर भागे हम पैदल इधर से निकल गए जनाब बगैर वो पैसे दिए। उसके बाद शर्मिंदगी रही यार, बाबा जी को पैसे दे और जाएं तो पकड़े जाएं। मैनेजर साहब को किसी तरीके से मना मिले तो वो ढाबा चेंज किया, वो रेड़ी चेंज की, हर रोज कहूँ नईम खान चला चली। एक दफ़ा गए वो बाबे की रेड़ी उधर नहीं थी, ओहो अब पता नहीं वो बाबा जी किधर है, चले अल्लाह अल्लाह माफ करे जी। ये इस तरह हमने बचपन में अंडर 14 तो उसके मजे भी थे, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरे खिलाड़ियों को साथियों को माफ करे, बाबे का कोई जानने वाला है वो मेरे से पैसे ले लेंगे वरना मुझे माफ कर दे। अब अंडर 14 में यार अगर पैसे नहीं लगेंगे, अभी बेचारे नान छोले ही खा रहे हैं उनके बेचारे, क्या हो रहा है इनके साथ, इतना ही लगा रहे हैं उनके। मुझे तो पूरी स्टोरी से जो चीज समझ आई है कि जो हमारी क्रिकेट है ना उधर ही है भी, बल्कि क्रिकेट बोर्ड की दो आंखें हैं, एक पे कपड़ा है मतलब
बात कर रहे हो आप भाई, अब कुछ आगे प्रोग्राम को चलाते हैं। भजन कुछ बताना पसंद करेंगे आप मुझे, कुछ समझाना पसंद करेंगे आप मुझे? देखिए आपको, आप हम इतनी वो बातें करते हैं यहाँ बैठ के भी, और लोग भी करते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं। प्योरिटी क्या है लोगों की? क्रिकेट बोर्ड अगर सिर्फ प्योरिटी रख ले जी, क्रिकेट को हमने बेहतर करना है। किसी भी का नाम तो नहीं बदलना पड़ेगा, पाकिस्तान कॉर्पोरेट बोर्ड वही कर दें, क्रिकेट खत्म कर दें, क्योंकि फोकस में तो है नहीं, फोकस क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल हमारा नहीं है। 9वें नंबर पे हमारी टीम जा चुकी है, अब यहाँ से आगे हमने कहाँ जाना है? स्टोन एज की अगर हम बातें कर रहे हैं तो ये क्रिकेट की तो स्टोन एज ही है ना, कि इस नंबर पे तो हम शुरू से नहीं रहे। अच्छा, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना सुशांत मनोहर की, वो अगर आप पढ़वा दें हमारे करता दर्दों, ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि आई एम रिजाइनिंग विदाउट एनी रीजन बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। चलो बहरहाल, अगर यही रीजन है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई दूसरी रीजन है तो तब भी अच्छी बात है, और अगर ये वाली रीजन है तो फिर वो उनको मिलवाए ना जरा, नहीं कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस मानस नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक विल नहीं होगी, नियत आपकी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे आप। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अभी हमने प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, आप परेशान तो नहीं हुए सकी भाई? आप भी परेशान नहीं हुए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद वसीम, मुझे एक चीज़ बताएं कि आज ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि व्हाट इज़ मॉडर्न क्रिकेट। आप ऑपरेशनल क्रिकेट की आप बात कर लें, कुछ मैं बात कर लूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और मेडिकल पार्ट, और सकी भाई बात कर लेंगे ऑपरेशनल क्रिकेट की। तो मॉडर्न क्रिकेट है क्या, इंडिया में क्या चेंज आया है? देखिए मॉडर्न क्रिकेट के ऑन फील्ड अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मॉडर्न क्रिकेटर, कि मॉडर्न क्रिकेटर क्या है, मॉडर्न क्रिकेटर क्या है, ठीक है। सबसे पहला उसमें मतलब जो पिछला हमारा आप देख लें, अगर उसको कंपेयर करना शुरू कर लें कि फिटनेस लेवल अगर आप देख लें कि आपको सुप्रीम एथलीट आपको चाहिए, ज़बरदस्त फिटनेस उनकी हाई होनी चाहिए, स्किल लेवल एक नहीं होगा, ठीक है ना, अब आपको तीनों के तीनों शोबे चाहिए, ठीक। जो आइडियल मॉडर्न क्रिकेट है, बैट्समैन है वो कैन बॉल, और नंबर 11 वाले को मैच जिताना है 100 करके, एग्जैक्टली, तो उसमें तीनों स्किल्स अब होनी जरूरी है, ये तो हो गया आइडियल आपका मॉडर्न क्रिकेट। फिर पावर हिटिंग आ गई, इनोवेशन स्किल्स आ जाती हैं, मेथड चेंज हो गए हैं खेलने के, जी आप किस तरह अपने प्लान करनी है चीजें, अब क्रॉस द लाइन है ही नहीं। देखिए अब उसमें पावर हिटिंग की आप बात करते हैं, पावर हिटिंग फिर अगेन वो गलत लेते हैं, इवन के क्रिकेटर्स भी इस चीज़ को गलत लेते हैं कि एक ही चीज़ पावर हिटिंग ये है, पावर हिटिंग ये जहाँ भी आप शॉट मारेंगे आप पावर के साथ मारेंगे, ठीक है। अभी बेस स्ट्रॉन्ग, अभी प्रोग्राम से पहले भी जिक्र किया था खालिद बादुल्ला का, बिली बडेला ने, हम 1995-96 में गए थे, उस दौर में उन्होंने ये बात की थी कि पावर हिटर वो है जो शॉट जोर से मारे। दोबारा उनसे मुलाकात हुई मेरी 2000 में जब न्यूजीलैंड गया, फिर उन्होंने कहा कि एडम गिलक्रिस्ट इज अ पावर हिटर, ठीक, सना जयसूर्य वाला पावर हिटर, कि वो ड्राइव मार रहा है वो जोर से मार रहा है, यू नो, ऊपर से मारेगा नीचे से मारेगा पावर के साथ मार रहा है, स्ट्रोक्स चेंज नहीं हो रहे, विव वाज अ पावर हिटर, पावर हिटर आप उनको कह सकते हैं, जवेद भाई वाज नॉट अ पावर हिटर, ठीक, इंजी भाई एट टाइम्स आप कह सकते हैं पावर हिटिंग उनको आती थी, बट यूसुफ वाज नेवर अ पावर हिटर, टाइमर थे वो, ठीक। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही आपकी मॉडर्न क्रिकेट है। स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, प्लानिंग आपकी अब चेंज हो गई है, कि आप ये नहीं कि जी विकटें बचाएं आप पहले 35 ओवर में, आखिरी 15 ओवर में आप जाते हैं, ये रन बना लेंगे। आपने जो ये चीज़ें बताई हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यही हैं, एक तो आपका स्किल लेवल चेंज हो गया, नेचुरल स्किल की कोई नेचुरल एबिलिटी का कोई मकाम नहीं है, वो एक पार्ट है, अब एक्वायर्ड एबिलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, बॉडी जो है उसके मैकेनिक्स और उसका मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एनर्जी सैपिंग एनर्जी, उसकी अपना जो है बायोकेमिकली आप कितने तगड़े हैं, और इंड्योरेंस आपकी कितनी है, फिनॉमिनल मॉड्यूल है, इंटेलिजेंट आप कितने हैं, गेम अवेयर आप कितने हैं। गेम अवेयरनेस आपके ज़माने में भी ज़रूरी थी, लेकिन आपके ऊपर 26 कैमरों के साथ स्क्रूटनी नहीं होती थी, आपकी ग्रिप्स को वो देख नहीं सकते थे, अब हर चीज़ जो है वो नज़र आती है, वर्कआउट प्लेयर जल्दी हो जाता, इसी तरह कट फॉर रोल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, हाई एंड्योरेंस एथलीट्स अलग हैं, डेवलपमेंटल फेज पे कोचिंग अलग है,
ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग में लेते हैं। प्लेयर्स के ऊपर आप नहीं कह सकते कि प्लेयर्स चेंज हो, प्लेयर्स नहीं, सिस्टम के साथ, ठीक है, पूरा सिस्टम फर्क इतना आ गया कि आपके ज़माने में जो है वो एक बंदा होता था जो 145-50 पे करता था, अब सारे 140-145 पे कर रहे हैं। दिस मीन्स के रिफ्लेक्सेस अब और ज़्यादा शार्प होने चाहिए, गेम तेज़ होगी, ठीक है। आपके ज़माने में आपको बीच में टूर्नामेंट्स में जो है वो गैप मिल जाता था, अब यह है कि आपको इतना फिट होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू प्ले फॉर 365 डेज़ अ ईयर, ठीक, ये चीज़ आ गई ना, बिल्कुल। दिस इज़ मॉडर्न क्रिकेट। अब इसका आगाज़ आप कहाँ पे करेंगे? सिमुलेशंस की बात होती है, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात होती है, आप बच्चों को गेम अवेयर करेंगे, आप बच्चों के लेवल पे आप ये सारी चीज़ें लेके आएंगे, आप करली बाल समझ के तो उसको अंडर 16 से हम तो उधर ही फंसे हुए ना। देखिए, आप अगर आप 70s का भी मैच उठा लें, इसमें थोड़ी सी मिसाल में अगर मैं दूँ, अगर पाकिस्तान टीम 70s 80s के आप ले लें, इसमें अगर आसिफ इकबाल फील्डिंग कर रहा है या सरफराज नवाज फील्डिंग कर रहा है, आपको कर रहे थे फर्क नजर आ जाता था ना आपको कि ये बॉलर है ये बैट्समैन है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यू कांट कि कोई भी फील्डिंग करे, आप गैस नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड जो फील्डिंग का है, तो वो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये नहीं कि फील्डर है तो इसको हम थोड़ा सा, हमारे यहाँ अभी भी ये है, अभी इरफान फील्डिंग करेगा, वहाब फील्डिंग करेगा, आपको पता चल जाएगा जिनके फास्ट बॉलर्स हैं। फ्रेंचाइजीज का लॉस नहीं होगा तो उससे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या फायदा होगा? मे बी फिर हम फ्रेंचाइजीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे जी कि हम डोमेस्टिक में ये कर देंगे, हम इतने प्रोग्राम अपने चलाएंगे, लालमी ने अपने उस सूबे में करना था, बलोचिस्तान में ग्लैडिएटर ने करना था, मे बी वो ये सोच रहे होंगे कि हम इनको देंगे, ये आगे से लगाएंगे। दैट कुड बी अ वेरी गुड आइडिया। ये नजम शेट्टी साहब का अगर ये ब्रेन चाइल्ड है, दिस इज ब्रिलियंट कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें, वो इन्वॉल्व हो जाएं, एज पहले इनिशियली थर्ड पार्टी आए और फिर मेजर स्टेक होल्डर बन जाए, फिर आप आस पड़े पीसीबी बंद कर देना, फिर उसके बाद तो मुझे यही आता है फिर आपका काम क्या रहेगा? कहीं भी खुश नहीं है, मैं क्या करूं सकी भाई, आप बताएंगे यार, जिसका काम है उसको करने देना, सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप वो करें बस। आप क्या कहते हैं जी सकी भाई? लेकिन डॉक्टर साहब जिसका काम है उसको वही काम करना चाहिए। मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, ठीक। आप राशिद लतीफ नहीं बन सकते? नहीं बन सकता मैं, मुस्लिम मखार नहीं बन सकता, ठीक, मशीन नहीं बन सकता। जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। अगेन वही चीज़ आएगी यार, पाकिस्तान की क्रिकेट को ही सामने रखते हुए कुछ भी करना, चाहे PSL हो रही है, चाहे जनाब आप इसके अलावा कुछ और भी करना चाह रहे हो, कुछ भी, उसमें आप पाकिस्तान की क्रिकेट जो इतनी नीचे गिरी हुई है वो कहाँ पे आएगी? आप जो अक्सर कहते हैं कट फॉर प्रोफेशनल पीपल जिनको पता है, देखिए उसमें हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, ऊपर से लेके नीचे तक, बोर्ड के अंदर या ऑन द ग्राउंड में, हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे वैसे ने मॉडर्न क्रिकेट का सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैं ये समझता हूँ मॉडर्न क्रिकेट में तो प्लेयर को पिच का भी पता होना चाहिए कि पिच कौन सी है, वेदर का है, हवा कैसे है, आपको क्रिकेट इंफॉर्मेशन, क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट अवेयरनेस, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों का मॉडर्न क्रिकेट के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। प्लेयर्स को तो पता ही पता है, कोचेज या जो उनके मुतल्लकीन जो लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे प्लेयर्स कहाँ तक हैं और मैंने इनको कहाँ तक लेके जाना है, वो पूरी रिसर्च करके रखेगा, पानी कितना पीना है, यार एक एक चीज इसके अंदर आ जाती है मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। और जैसे वैसी ने पावर हिटिंग की बात की, पावर हिटिंग एक तो है कि हर शॉट को पावर के साथ मारना, दूसरा कई बॉल ऐसे आते हैं जो ना कि आगे खेले जा सकते हैं ना बैकफुट पे खेले जाते हैं, जहां पे आपको जबरदस्ती शॉट मारनी आती है, तो वहां पे जिसने पावर हिटिंग, जिस जो पावरफुल होगा वो उस गेंद को खींच के लेके जाएगा। कुछ हर स्ट्रोक पावर हिटिंग में लगेंगी, कुछ ऐसी शॉट्स हैं जिसके लिए बिल्कुल प्रॉपर आपकी पावर चाहिए होगी आपको। अच्छा, अब ये नहीं है कि बहुत बड़े जिसम कदो कामत वाला ही को पावर हिट है, वो पावर हिटिंग आप कर सकते हो। ब्रैडफोर्ड ने किया था वो पावर हिटिंग, वो पावर हिटिंग टाइप थी। आप देखो उसका जो पहला छक्का था, आप हालांकि इस तरह की जो शॉट उसने मारी, उसकी टांगों की जो पोजीशनिंग थी या बैलेंस था वो लगी नहीं रहा था, मगर जो अपनी पूरी पावर से उठा के लेके चला गया। बाकी दो छक्के जो उसने मारे हैं वो तो बिल्कुल ही उसके कलम इतना सा है, अगर आप साइज की बात करते हैं कलम का कप बहुत छोटा है, ओवर एज हो जाता है, यहाँ पे ओवर एज हो जाता है, ऐसे ना खेलता ही बहुत भाभा लगता है शुरू से। अभी जितनी बातें आप कर रहे हैं इसका जवाब एक आ सकता है कि आगे चल के ये होगा। अच्छा,
प्रॉब्लम ये है कि 9वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, टेस्ट में भी आगे चल के होगा ना, ये तो होगा आगे चल के, लेकिन हम लेट हो जाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का और लेट हो जाएंगे, 9 के बाद फिर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, टेस्ट में आपके एक दो प्लेयर रिटायर होंगे, आप कहां पे चले जाएंगे, नीचे से आपका कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रायोरिटी आप ये रखें कि यहां पे इन्वेस्ट करें, ताकि ये तो नहीं ना एकदम इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। अच्छा, आप बड़ा माइंड करेंगे, लेकिन आप बड़े खुश होते हैं अगर आज के दौर में होते आप दोनों, क्योंकि अब आप जैम्बिया के साथ खेलेंगे, अब आप मलेशिया के साथ खेलेंगे, अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, सिंगापुर के साथ खेलेंगे, बड़े आउट करते आप देखें, तो यही है ना, आप तो क्वालिफायर तो ऐसे ही होंगे ना, अल्लाह करे ऐसे अल्लाह नंबर ना हो पे। अगर आपने सितंबर 2017 तक आपने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, आपने इंग्लैंड भी जाना है, नहीं तो कितने मैचेस हमें वहाँ पे क्या होना चाहिए सर, वो तो रैंकिंग पे डिपेंड करता है, वो आपके थोड़ी है, वो तो ओवरऑल असेसमेंट होगी। हाँ नहीं, मगर यू हैव टू विन नाउ, खत्म बात। नहीं, ब्रेक लेते हैं सजी भाई, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और वसीम भाई, जाने से पहले आप दोनों राशद नाराज़ हों, लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करें कि हमने हमेशा अपने आप से झूठ बोला, हमने हमेशा अपने आप को गलत तसल्लियाँ दी, हमने एक परफॉर्मेंस पर स्टार्स बनाए, और हमने अपने बोल्स में बड़े बड़े खेले। लड़ी जाया कर दी, ये 1952-53 से हो रहा है। आगे से एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि जी पहले तो हम जीतते थे, पहले आप इसलिए थे उस टाइम मुश्ताक पीसेस, और आप लोगों को ये स्पिनर्स मिल गए, मुशीक, मुश्ताक अहमद, तो ये स्पिनर्स ने आपको मैचेस जिताने शुरू कर दिए, इन्होंने दूसरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, मानते हैं आप, दूसरा बॉल रिवर्स आपने बड़ा किया, ठीक। अच्छा, अब आई एम टॉकिंग वेरी पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली, मार्टिन क्रो, जहानी मार्टिन क्रो, उनसे मेरा पर्सनल बड़ा मकालमा भी रहता था, तो उनका कहना यह था, मैंने उनसे पूछा, मैं यू स्कोर 100 विच वन वॉज द बेस्ट, तो कहता दैट वॉज लाहौर कदाफी स्टेडियम 1990। मैं कहा वाई, तो कहते हैं जी कि तीन वसीम भाई ने, वसीम अक्रम ने तीन आउट स्विंगर किए और वो तीनों इन स्विंगर हुए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई कि एक ही सेंस है, एक ही वनडे है। ये तो खैर मैं खेला, सर्वाइव कर गया, उसके बाद कहते हैं वकार भाई भी उसी सीरीज में 29 आउट किया था ना वकार भाई ने, कहते हैं पता नहीं खुशकिस्मती है बदकिस्मती है तुम लोगों की, बाऊजी आ गए अब्दुल कादिर, कहते हैं मैंने जान बूझ के एक बॉल ड्रॉप की अपने पैरों पर और उसके बाद उठाई कि मैं फेंक दूँ बाऊजी की तरफ, तो कहते वो क्रिकेट बोलते नहीं सी, बड़े बड़े नऊ अंदर सब कुछ गया हुआ, ऊपर से एक साइड गायब हुई हुई, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि मार्क प्रीस्ट और एक और था उनका बॉलर ही था वो कहते हैं ये लोग बाउंड्री के बाहर थे तो अंपायर को याद नहीं रहा, उन्होंने डी शेप हुई बॉल तो उन्होंने वो फेंक दी आउटसाइड द बाउंड्री, क्या दौड़ लगा दी, विली वॉटसन क्या दौड़ लगा के गेंद पकड़ लिया अपने ड्रेसिंग रूम में ले गए, तो कहते वो गेंद था ही नहीं, कहते इतनी देर में जनाब इंतखाब आलम साहब मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम का इंटरनल ता हयात, अल्लाह उनको मजीद ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह ताला 39-40 साल अगले वो और खिदमत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, तो उन्होंने वो गेंद इयान टेलर से वापस लिया, मैनेजर ऑफ द न्यूजीलैंड टीम, और वो लेके चले गए, एंड दैट बॉल वाज नेवर सीन एवर अगेन। तो मार्टिन क्रो ने, इस पर हम ब्रेक लेते हैं, आप सोचें फिर आते हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही और बड़ी खूबसूरत कही थी, उन्होंने कहा हैंड्स ऑन पाकिस्तान टीम वॉज ए मच बेटर टीम, पाकिस्तान क्रिकेटर्स आर मच बेटर क्रिकेटर्स, बट आई विल गो डाउन इन माई ग्रेव, आई नॉट बी कन्विंस्ड दैट बॉल वॉज नॉट अ क्रिकेट बॉल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये डिनाइल होते हैं, उस वक्त हम इनक्रेज कर रहे थे, इन टेलर ने रिटर्न कंप्लेंट दी थी जो हैं उनके मैनेजर, तो पी सी बी के ऑफिसर ने BCCP देन उन्होंने कहा था कि नहीं जी दौड़ जाओ, कुछ नहीं है, सब फिट है। फिर क्या हुआ, क्रिस प्रिंगल ने बॉटल टॉप लगाया 7/52 फैसलाबाद में, उसके बाद उसके पास टेनासिटी थी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि ये गो स्टेट फुल गेम ऑन या इन्वेस्टमेंट कहीं और जाए, मैं तो उसी पे भी कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे चली गई उस तरफ जहाँ पे नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपने आधे देर लगा दी है जी, आप समझते हैं ये इनफ है क्रिकेट के लिए, उसके बाद अगर आप आगे चले जाते तो कुछ समझ आती थी, लेकिन ये चीज़ें आप स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, मेनली जो आपकी क्लब क्रिकेट है आप उसको ठीक कर लेंगे। एक तो जो स्क्रूटनिंग हमने की हुई है जी कि 15 लड़के आपके नेट के ऊपर हों तो आपका क्लब
साइन करके वो चले जाते हैं, एक ही दिन में वो लड़के इकट्ठे करते हैं, दूसरे दिन जाके भी चेक कर लिया करें कि वहाँ पे कोई नेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो लड़के वापस हैं भी कि नहीं है। लेकिन हमें चाहिए सिस्टम के क्लब क्रिकेट के अंदर जूनियर सेक्शन आप कर दें एसेंशियल जी कि आपके अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए, रेगुलर कोचेज आपके पास होने चाहिए ताकि सिस्टम से आपको लड़के मिलें। ये नहीं कि आपने दे दिया जी फेसबुक के ऊपर या अखबार में ट्रायल्स हो रहे हैं, आज ही ट्रायल दे दें। वसीम आपके पास क्वांटिटेटिवली लोग नहीं है तो क्वालिटेटिव कहाँ से लाएंगे? पहले आप क्वांटिटेटिव कोरम पूरा करेंगे तो क्वालिटेटिव कोरम आएगा ना। सिस्टम तो बनाए ना, हो सकता है लोग खुद ही आगे आना शुरू हो जाएं। अब क्लब का उसमें रॉकेट साइंस है कि आप उसमें इंग्लैंड के क्लब जितने भी हैं तो बाकी मुल्क अरे वाक है, थोड़ा सा शुगर शायद वो चने वाला बाबा ये प्रोग्राम देख रहा हूँ मुझे माफ कर दे। हम लोग अंडर 14 के जोनल उस वक्त होती थी, हमारे मैनेजर साहब नाम मुझे याद नहीं हो, बहुत पुरानी बात है, एक लड़का था नईम खान भी अगर देख रहा है तो वो याद रखे, ये नईम खान की शरारत, वो मेन वही था, नेशनल बैंक से खेला लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, मुस्लिम जिम खाना लाहौर, मैं कैप्टन था, ये वाइस कैप्टन था। वो मिंटो पार्क में कैंप था, सारे लाहौर की जो जोनल जो टीमें थी वो बनी हुई थी, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, हॉस्टल में रहते थे हम लोग, जंगला फलांग के जाते थे, वहाँ पे एक चने वाला था रेडी पे चने लगाता था, वो चिकट छोले उसमें अंडा और मुर्गा वो भी साथ में रखता था। लो जी मैनेजर साहब हमें दीवार फैलांग के, मैनेजर साहब खुद भी दीवार फैलांगते थे, हम लोग उधर जाते थे, 8 रुपए का चने का प्याला सी उस वक्त, इतना बड़ा प्याला, और उसमें एक प्याले में दो लड़कों को कहते थे शेयर करो, और दो दो नान देते थे, अंडा बीच नहीं पाना तो बोटी भी नहीं पानी ठीक, बाकी पानी तो वो जनाब मुझे वो अंडा बोटी वाला मिलता था तो है ना, तुसी ते पैसिया भी अच्छा के जो तुसी तो गड़बड़ कर दे रहे हो ना उस टाइम में, अच्छा एनीवे मैच नहीं मिलता तो वो मिलता हमने वार किया आपको मैच मिलते थे अच्छा आपको ट्रॉफी नहीं मिलता जो बाबा वो जो बाबा जी थे अल्लाह उनको खुश रखे, मैं सबके सामने माफी भी मांगता हूं, तो भाई बहरहाल वो ना लड़के शरारती थे तो वो लड़कों को बहुत डांटते थे, खाने भी उन्हीं से थे क्योंकि मज़ेदार थे, मैनेजर साहब हर रोज जाते थे हमें खिलाते थे, और वो एक दिन मैनेजर साहब को कोई काम पड़ गया, उन्होंने कहा अच्छा ग्लैनी दे रहा ये ले पैसे, वो 250 रुपया दिया उन्होंने, ए सारे नु लंच तू करवाना है, ठीक है जी हम लोग गए हिसाब किताब लगाया। अच्छा वो जो बाबा जी थे वो नईम खान के साथ और लड़कों के साथ थोड़ी गड़बड़ थी, लड़ाई शड़ाई चने खत्म हो गए, बाबा जी थोड़ी जी उते भी थोड़ा जा दियो जी, उनकी कहते ग्रेवी श्रेवी क्या होता है चुंगा चुंगा और चुंगा भी दियो जी थोड़ा जा, वो भी थोड़ा सा वो दे दे, तो वो कुछ गड़बड़ हुई, वो बेचारे बाबे की आँख खराब थी, उसने ना एक आंख ऐसे बनवाई हुई थी तो ऊपर वो लगा देते हैं जो रुई शुई लगा के वो कपड़ा ऐसे, तो हम लोग गए उधर बाबा जी के पास, पैसे अब मेरे पास जिम्मेदारी मेरी, मैंने कहा बाबा जी सबको जितने लड़के हैं एक प्याला एक प्याले में दो 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 नान साथ में दे दो, नईम खान के कप्तान साहब ला लिया मैं एक एक अंडा एक एक बोटी भी आसान मुझे कह रहे अच्छा कहते हैं सारे उधर खड़ा करो तो ऐसी अंदर, मैंने कहा अच्छा जी अच्छा, उसने प्लान किया हुआ था मुझे भी बाद में सारा प्लान भी बताया, वो 3-4 लड़कों की बाबे के साथ। अब तो हम बेवकूफ़ भी बन रहे हैं ना, अब तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्टॉर्ट म्यूटिलेट किया जा रहा है। मुझे आप एक चीज़ बताएं आप दोनों हजरात कि एक लड़का मेडिकल कॉलेज जाता है एफएससी करने के बाद और उसको बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है डायसेक्शन हॉल्स में और हर जगह, वो कोई सीरियसली 3-4 ही ले रहे होते हैं, 180-185 आपकी मेरी तरह ही होते हैं ठीक है कि वो मुर्दा और कैडावर्स और उनके साथ, उसके बाद वो बहुत मेहनत करने के बाद बहुत पढ़ने के बाद क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम वहाँ पर हर जगह पर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। अब आप एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जिसको कुछ नहीं आता ठीक है, फिर आप हाउस जॉब के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, एक साल लगता है, नर्सिंग स्टाफ से आप गाइडलाइंस ले रहे होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होते हैं, इंजेक्शन का प्रोसीजर पता होना इज समथिंग एल्स, लगाना इज समथिंग एल्स, वो एक साल आपकी ट्रेनिंग होती है पेशेंट्स के साथ ट्रेनिंग होती है, 72 घंटे आप रात को जो रातों को जागते हैं और उसके बाद आप ट्रेन होते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है हाउस जॉब का। अब आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन सबसे जूनियर है जिसको कोई नहीं जानता, फिर आप 4-5 साल लगाते हैं मेहनत करके जिसमें आपके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं और मरीजों के साथ आप वक्त गुजारते हैं बिल्कुल,
उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कामयाब होते हैं। अगर आप लकी हैं तो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, लोग 6-6, 7-7 अटेम्प्टें भी करते हैं, ठीक हो गया। सो 7 साल के बाद अगर ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिसको कोई नहीं जानता, सारा वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन अब जूनियर मोस्ट है, उसके बाद 5-6 साल लगते हैं टू बिकम अ रिकग्नाइज्ड क्लिनिकली एफिशिएंट और एक नोन फिजिशियन। तो ये कुल मिला के अगर आप गिन लें तो ये कोई बन जाते हैं कोई 16-17 साल। तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो जा रहे हैं, जो हायर्ड बोन को देख के, जो बालों के कर्ल्स को देख के, इन्होंने ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की होंगी, अपनी फील्ड में ये मास्टर होंगे, लोअर टीयर पे इन्होंने काम किया होगा, क्लिनिकल केस इनकी जो हैं वो बहुत सारे इनके वो होंगे, डेजर्टेशन होंगी, रिसर्च। इससे नीचे क्या होगा है? वो तो सीख रहे हैं ना काम, इससे लोअर टीयर कहाँ पे? कुछ इंग्लैंड जा रहे हैं, कुछ आगे। मेरे पास दो पेशेंट आए हैं, बड़े बड़े नाम है आपके। मेरे पास दो पेशेंट आए हैं, वो भी बड़े नाम ही है, यानी कि कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स। दो पेशेंट आए हैं और जो कि इन सब ने उनको मिलके आइडेंटिफाई किया हुआ था, उनके वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके वो तशवीश ही गलत है। अब आप क्या कहते हैं भाई? उनको कहें कि गरम इट करके ते उठे ला लें, गोड़े ते गिची ते कितने भी ला लें। तुसी भी आई कीता सी आफ्टर हैविंग प्लेड फॉर पाकिस्तान, ते इक्को जगह ते 25 कॉर्टिसोन इंजेक्शन में लगवा लें, ओदे नाल भी ठीक हो जाएंगे। हुन दसो, तारे आपके जमाने में एज डिटरमिनेशन नहीं थी, आपके जमाने में वाडा नहीं था, वरना ताडा ते एक विकेट होंगी। ऐसे लग रहा है कि अभी भी उधर ही है, मुझे अपनी इट वाला जमाना याद आ गया। स्टोरेज की बात कर रहे हैं, स्टोरेज कॉर्टिसोन इंजेक्शन एक कोई जगह थे, वो सारे जमाने याद आ गए। हम कब मूव करेंगे या मूव फॉरवर्ड कब होगा, हम कब कब आगे निकलेंगे यार? आप क्लब्स को देखिए, स्कूल ग्रेड की हम बात करते हैं, तो जब वो ऑर्गेनाइज अगर हो जाती है ना, तो आपके ये मसले जो सर्टिफिकेट वाले हैं काफ़ी हद तक इन पर काबू पा लेंगे कि स्कूल से फिर आप डेटा, आई डोंट नो कि नाजरा के साथ हम क्यों नहीं कर सकते सारा कुछ। ये रीजन्स और डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मुकाम नहीं है। नहीं, गवर्निंग बोर्ड के आगे क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। तो गवर्निंग बोर्ड नहीं चाहेगा कि क्रिकेट ठीक हो, यही अब सोचने की बात है ना कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं कि क्रिकेट ठीक हो या तो फिटनेस उनकी हाई होनी चाहिए। स्किल लेवल एक नहीं होगा, ठीक है ना, अब आपको तीनों के तीनों शोबे चाहिए। ठीक, जो आइडियल मॉडर्न क्रिकेट है, बैट्समैन है वो कैन बॉल, और नंबर 11 वाले को मैच जिताना है 100 करके। एग्जैक्टली, तो उसमें तीनों स्किल्स अब होनी जरूरी है। ये तो हो गया आइडियल आपका मॉडर्न क्रिकेट। फिर पावर हिटिंग आ गई, स्किल्स आ जाती हैं, मेथड चेंज हो गए हैं खेलने के, जी आप किस तरह अपने प्लान करनी है चीज़ें। अब वो क्रॉस द लाइन है ही नहीं। देखिए, अब उसमें पावर हिटिंग की आप बात करते हैं, पावर हिटिंग फिर अगेन वो गलत लेते हैं, इवन के क्रिकेटर्स भी इस चीज़ को गलत लेते हैं कि एक ही चीज़ पावर हिटिंग ये है। पावर हिटिंग ये जहाँ भी आप शॉट मारेंगे आप पावर के साथ मारेंगे, ठीक है। बेस स्ट्रांग, अभी प्रोग्राम से पहले भी जिक्र किया था खालिद बादुल्ला का, बिली बडेला ने, हम 1995-96 में गए थे, उस दौर में उन्होंने ये बात की थी कि पावर हिटर वो है जो शॉट जोर से मारे। दोबारा उनसे मुलाकात हुई मेरी 2000 में जब न्यूजीलैंड गया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि एडम गिलक्रिस्ट इज अ पावर हिटर, ठीक सर, जयसूर्य वाला पावर हिटर, कि वो ड्राइव मार रहा है वो जोर से मार रहा है, ऊपर से मारेगा नीचे से मारेगा पावर के साथ मार रहा है, ठीक है, स्ट्रोक्स चेंज नहीं हो रहे। विव वाज अ पावर हिटर, पावर हिटर आप उनको कह सकते हैं। जवेद भाई वाज नॉट अ पावर हिटर, ठीक, इंजी भाई एट टाइम्स आप कह सकते हैं पावर हिटिंग उनको आती थी, बट यूसुफ वाज नेवर अ पावर हिटर, टाइमर थे वो, ठीक। तो ये चीजें आइडेंटिफाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही आपकी मॉडर्न क्रिकेट है। स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, प्लानिंग आपकी अब चेंज हो गई है, कि आप ये नहीं कि जी विकेटें बचाएं आप पहले 35 ओवर में, आखिरी 15 ओवर में आप जाकर ठीक है ये रन्स बना लेंगे। आपने जो ये चीज़ें बताई हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यही हैं, एक तो आपका स्किल लेवल चेंज हो गया, नेचुरल स्किल की कोई नेचुरल एबिलिटी का आप कोई मुकाम नहीं है, वो एक पार्ट है, अब एक्वायर्ड एबिलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। बॉडी जो है उसके मैकेनिक्स और उसका मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एनर्जी सैपिंग एनर्जी, उसकी अपना जो है बायोकेमिकली आप कितने तगड़े हैं, और इंड्योरेंस आपकी कितनी है, फिनॉमिनल मॉड्यूल है, इंटेलिजेंट आप कितने, गेम अवेयर आप कितने। गेम अवेयरनेस आपके ज़माने में भी ज़रूरी थी, लेकिन आपके ऊपर
26 कैमरों के साथ स्क्रूटनी नहीं होती थी, आपकी ग्रिप्स को वो देख नहीं सकते थे, अब हर चीज़ जो है वो नज़र आती है, वर्कआउट प्लेयर जल्दी हो जाता है। इसी तरह कट फॉर रोल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, हाई एंड्योरेंस एथलीट्स अलग हैं, डेवलपमेंटल फेज पे कोचिंग अलग है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग अलग है। प्लेयर्स के ऊपर आप नहीं कह सकते क्योंकि प्लेयर्स चेंज हो, प्लेयर्स सिस्टम के साथ, ठीक है, पूरा सिस्टम फर्क इतना आ गया कि आपके ज़माने में जो है वो एक बंदा होता था जो 145-50 पे करता था, अब सारे 140-145 पे कर रहे हैं। दिस मीन्स के रिफ्लेक्सेस अब और ज़्यादा शार्प होने चाहिए, गेम तेज़ होगी, ठीक है। आपके ज़माने में आपको बीच में टूर्नामेंट्स में जो है वो गैप मिल जाता था, अब यह है कि आपको इतना फिट होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू प्ले फॉर 365 डेज ईयर, ठीक, ये चीज़ आ गई ना, बिल्कुल। दिस इज मॉडर्न क्रिकेट। अब इसका आगाज़ आप कहाँ पे करेंगे? सिमुलेशंस की बात होती है, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात होती है, आप बच्चों को गेम अवेयर करेंगे, आप बच्चों के लेवल पे आप ये सारी चीज़ें लेके आएंगे, आप करली बाल समझ के तो उसको अंडर 16 से हम तो उधर ही फंसे हुए ना। देखिए, आप अगर आप 70 का भी मैच उठा लें, इसमें थोड़ी सी मिसाल में अगर मैं दूँ, अगर पाकिस्तान टीम 70 IITs के आप ले लें, इसमें अगर आसिफ इकबाल फील्डिंग कर रहा है या सरफराज नवाज फील्डिंग कर रहा है, आपको कर रहे थे, फर्क नज़र आ जाता था ना आपको कि ये बॉलर है, ये बैट्समैन है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यू कांट कि कोई भी फील्डिंग करे, आप गैस नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड जो फील्डिंग का है, तो वो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये नहीं कि फील्डर है तो इसको हम थोड़ा सा, हमारे यहाँ अभी भी ये है, अभी इरफान फील्डिंग करेगा, वहाब फील्डिंग करेगा, आपको पता चल जाएगा जिनके फास्ट बॉलर्स हैं। अगर फ्रेंचाइजीज का लॉस नहीं होगा तो उससे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा? मे बी फिर हम फ्रेंचाइजीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे जी कि हम डोमेस्टिक में ये कर देंगे, हम इतने प्रोग्राम अपने चलाएंगे, थोड़ी सी खटपट थी। खैर, खाना खाने के बाद उसने कहा कि अफगान आज नठन का इरादा है, कहते आज बाबे नु सजा देनी है, बाबा जी जो है ना वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे, लड़ाई हो गई थी, ये हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, कह रहा कप्तान फिक्र नहीं कर, ऐसे लिए ऐसी खब्बे पासे खिलोते, बाबा इस पासे नहीं देखेगा। खान ने इशारा किया, बाकी इधर भागे, हम पैदल इधर से निकल गए जनाब, बगैर वो पैसे दिए। उसके बाद शर्मिंदगी रही यार, बाबा जी को पैसे दें और जाएं तो पकड़े जाएं। मैनेजर साहब को किसी तरीके से मना, मिले तो वो ढाबा चेंज किया, वो रेडी चेंज की, हर रोज़ कहूँगा नईम खान चला चलिए। एक दफ़ा गए, वो बाबे की रेडी उधर नहीं थी, ओहो, अब पता नहीं वो बाबा जी किधर है। चलें, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे जी, ये इस तरह हमने बचपन में अंडर 14 तो उसके मज़े भी थे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे खिलाड़ियों को, साथियों को माफ़ करे, बाबे का कोई जानने वाला है वो मेरे से पैसे ले लेंगे, वरना मुझे माफ़ कर दें। अब अंडर 14 में यार अगर पैसे नहीं लगेंगे, अभी बेचारे नान छोले ही खा रहे हैं उनके बेचारे, क्या हो रहा है इनके साथ, इतना ही लगा रहे हैं उनके। मुझे तो पूरी स्टोरी से जो चीज़ समझ आई है कि जो हमारी क्रिकेट है ना, उधर ही है, बल्कि क्रिकेट बोर्ड की दो आंखें हैं, एक पे कपड़ा है, क्रिकेट बोर्ड छोले भेज रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप भाई। अब कुछ आगे प्रोग्राम को चलाते हैं, भजन कुछ बताना पसंद करेंगे आप मुझे, कुछ समझाना पसंद करेंगे आप मुझे? देखिए आपको, आप हम इतनी वो बातें करते हैं यहाँ बैठ के भी, और लोग भी करते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं, प्योरिटी क्या है इन लोगों की? क्रिकेट बोर्ड अगर सिर्फ प्योरिटी रख ले जी, क्रिकेट को हमने बेहतर करना है। पीसीबी का नाम तो नहीं बदलना पड़ेगा, पाकिस्तान कॉर्पोरेट बोर्ड, फिर वही कर दें, आप क्रिकेट ख़त्म कर दें, क्योंकि फोकस में तो है नहीं, फोकस क्रिकेट के ऊपर okay, बिल्कुल हमारा नहीं है। 9वें नंबर पे हमारी टीम जा चुकी है, अब यहाँ से आगे हमने कहाँ जाना है? स्टोन एज की अगर हम बातें कर रहे हैं तो ये क्रिकेट की तो स्टोन एज ही है ना, कि इस नंबर पे तो हम शुरू से नहीं रहे। अच्छा, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना सुशांत मनोहर की, वो अगर आप पढ़वा दें हमारे कर्ता-धर्ताओं, ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि आई एम रिजाइनिंग विदाउट एनी रीजन बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। आखिरी जो दो लफ्ज़ है ना कि प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, वो कहते मैं नहीं कर सका,
चलो बहरहाल अगर यही रीजन है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई दूसरी रीजन है तो तब भी अच्छी बात है, और अगर ये वाली रीजन है तो फिर वो उनको मिलवाए ना जरा, नहीं कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस मानस नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक बिल नहीं होगी, नियत आपके नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे आप। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अभी हमने प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, आप परेशान तो नहीं हुए सकी भाई? आप भी परेशान नहीं हुए? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद वसीम मुझे एक चीज़ बताएं कि आज ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि व्हाट इज़ मॉडर्न क्रिकेट। आप ऑपरेशनल क्रिकेट की आप बात कर लें, कुछ मैं बात कर लूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और मेडिकल पार्ट, और सकी भाई बात कर लेंगे ऑपरेशनल क्रिकेट की। तो मॉडर्न क्रिकेट है क्या, इंडिया में क्या चेंज आया है? देखिए मॉडर्न क्रिकेट का ऑन फील्ड अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मॉडर्न क्रिकेटर। तो मॉडर्न क्रिकेटर क्या है, मॉडर्न क्रिकेटर क्या है, ठीक है, सबसे पहला उसमें मतलब जो पिछला हमारा आप देख लें, अगर उसको कंपेयर करना शुरू कर लें कि फिटनेस लेवल अगर आप देख लें कि आपको सुप्रीम एथलीट आपको चाहिए, लालमी ने अपने उस सूबे में करना था, बलूचिस्तान में ग्लैडिएटर ने करना था, मे बी वो ये सोच रहे होंगे कि हम इनको देंगे ये आगे से लगाएंगे, दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। ये नजम सेठी साहब का अगर ये ब्रेन चाइल्ड है, दिस इज ब्रिलियंट, कि फ्रेंचाइजेज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें, वो इन्वॉल्व हो जाएं एज पहले इनिशियली थर्ड पार्टी आएँ और फिर मेजर स्टेक होल्डर बन जाए, फिर आप आस पड़े पीसीबी बंद कर देना, फिर उसके बाद तो मुझे यही आता है फिर आपका काम क्या रहेगा, कहीं भी खुश नहीं है, मैं क्या करूं सकी भाई आप बताएंगे? यार जिसका काम है उसको करने देना, सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप वो करें बस। आप क्या कहते हैं जी सकी भाई? देखिए डॉक्टर साहब जिसका काम है उसको वही काम करना चाहिए, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, ठीक, आप राशिद लतीफ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मैं मुस्लिम मखार नहीं बन सकता, मशीन नहीं बन सकता, जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। अगेन वही चीज़ आएगी यार, पाकिस्तान की क्रिकेट को ही सामने रखते हुए कुछ भी करना, चाहे PSL हो रही है, चाहे जनाब आप इसके अलावा कुछ और भी करना चाह रहे हो, कुछ भी, उसमें आप पाकिस्तान की क्रिकेट जो इतनी नीचे गिरी हुई है वो कहाँ पे आएगी? आप जो अक्सर कहते हैं कट फॉर प्रोफेशनल पीपल जिनको पता है, देखिए उसमें हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, ऊपर से लेके नीचे तक, बोर्ड के अंदर या ऑन द ग्राउंड में हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे मैं जी ने मॉडर्न क्रिकेट का सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैं ये समझता हूँ मॉडर्न क्रिकेट में तो प्लेयर को पिच का भी पता होना चाहिए कि पिच कौन सी है, वेदर का हवा कैसे है, आपको क्रिकेट इंफॉर्मेशन, क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट अवेयरनेस, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों का मॉडर्न क्रिकेट के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। प्लेयर्स को तो पता ही पता है, कोचेज या उनके मुतल्लकीन जो लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे प्लेयर्स कहाँ तक हैं और मैंने इनको कहाँ तक लेके जाना है, वो पूरी रिसर्च करके रखेगा, पानी कितना पीना है, यार एक एक चीज इसके अंदर आ जाती है मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। और जैसे वैसी ने पावर हिटिंग की बात की, पावर हिटिंग एक तो है कि हर शॉट को पावर के साथ मारना, दूसरा कई बॉल ऐसे आते हैं जो ना कि आगे खेले जा सकते हैं ना बैकफुट पे खेले जाते हैं, जहां पे आपको जबरदस्ती शॉट मारनी आती है, तो वहां पे जिसने पावर हिटिंग, जिस जो पावरफुल होगा वो उस गेंद को खींच के लेके जाएगा, कुछ हर स्ट्रोक पावर हिटिंग में लगेंगी, कुछ ऐसी शॉट्स हैं जिसके लिए बिल्कुल प्रॉपर आपकी पावर चाहिए होगी आपको। अच्छा अब ये नहीं है कि बहुत बड़े जिस्म कदो कामत वाला ही को पावर हिट है, वो पावर हिटिंग आप कर सकते हो, ब्रैडफोर्ड ने किया था वो पावर हिटिंग, वो पावर हिटिंग टाइप थी। आप देखो उसका जो पहला छक्का था, आप हालांकि इस तरह की जो शॉट उसने मारी उसकी टांगों की जो पोजीशनिंग थी या बैलेंस था वो लगी नहीं रहा था, मगर जो अपनी पूरी पावर से उठा के लेके चला गया। बाकी दो छक्के जो उसने मारे हैं वो तो बिल्कुल ही उसके कलम इतना सा है, अगर आप साइज की बात करते हैं तो कलम का कप बहुत छोटा है, ओवर एज हो जाता है, यहाँ पे ओवर एज हो जाता है, ऐसे ना खेलता ही बहुत भाभा लगता है शुरू से। अभी जितनी बातें आप कर रहे हैं इसका जवाब एक आ सकता है कि आगे चल के ये होगा। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि 9 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, टेस्ट में भी आगे चल के होगा ना, ये तो होगा आगे चल के, लेकिन हम लेट हो जाएंगे,
لیکن آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اگر آج کے دور میں ہوتے آپ دونوں, کیونکہ اب آپ زامبیا کے ساتھ کھیلیں گے, اب آپ ملیشیا کے ساتھ کھیلیں گے, افغانستان کے ساتھ کھیلیں گے, سنگاپور کے ساتھ کھیلیں گے, بڑے آؤٹ کرتے آپ. دیکھیں تو یہی ہے نا, اب تو کوالیفائر تو ایسے ہی نہیں.